गाइस ओनली फॉर दिल्ली स्टेट, मतलब कि जो स्टूडेंट दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनके लिए गाइस सीट मैट्रिक्स में ओबीसी के लिए गाइस यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि ओबीसी के लिए गाइस एक भी सीटें नहीं शो हो रही है। एंड गाइस यहां पर आप देखेंगे तो ये एससी की सीटें हैं, एससी के लिए भी एक भी सीट नहीं है। एसटी के लिए जो मतलब दिल्ली में प्राइवेट कॉलेज की सीट में एसटी के लिए 68 है, बट प्राइवेट कॉलेज में गाइस एससी के लिए एक भी सीट नहीं है, ओनली फॉर दिल्ली के लिए। एंड ना ही गाइस ओबीसी की सीट है। गाइस अदर स्टेट के लिए ओबीसी के लिए प्राइवेट कॉलेज में 10 सीटें हैं, बट गाइस दिल्ली के लिए नहीं है, ना ही एससी के लिए। एससी के लिए गाइस 17 सीटें हैं, वो भी अदर स्टेट के लिए इन प्राइवेट कॉलेज में। एंड गाइस गवर्नमेंट कॉलेज में जो है उर्दू एंड पंजाबी लैंग्वेज के लिए 5 से 10 सीटें हैं, वो भी गाइस ओनली फॉर उर्दू एंड पंजाबी लैंग्वेज जो एससी से बिलोंग करते हैं एंड एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, बट गाइस वो जो है उर्दू एंड पंजाबी के लिए है। तो अगर जिनके पास उर्दू पंजाबी लैंग्वेज है एंड जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं एंड जिनके मार्क्स गाइस 85% से अबव है तो उनके चांस है उनका पंजाबी या उर्दू की सीट मिलने की। बट गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज के लिए गाइस यहाँ पर जो है सीटें नहीं दिखा रही है ओबीसी एंड एसटी। एसटी के लिए तो गाइस है, एससी के लिए नहीं दिखा रही है। एंड गाइस ये है दिल्ली के लिए ओनली प्राइवेट कॉलेज में, बट गाइस अदर स्टेट से जो बिलोंग करते हैं एंड दिल्ली की जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें गाइस एससी के लिए 17 सीटें हैं एंड एसटी के लिए गाइस एसटी के लिए 5 से 6 सीटें हैं अदर स्टेट के लिए, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दिल्ली के लिए 68 सीटें। सो गाइस मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आप जो है चेक करके फिल करना, बिकॉज गाइस फीस जो है 1000 रुपीज़ है। एंड गाइस इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप जो है ध्यान से चेक करके फिल करें, क्योंकि गाइस अगर सीट नहीं मिलती है तो गाइस फिर क्योंकि गाइस अगर सीट नहीं मिलती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में भी लिखा हुआ है कि फीस रिफंड नहीं होंगे एंड सीट की भी गारंटी नहीं है। इसलिए गाइस आप जो है सोच समझ के फॉर्म फिल करना। एंड गाइस हम वो देख लेते हैं जो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। एक बार गाइस पेज नंबर 22 में डीएलएड की जो प्रोस्पेक्टस है उसे एक बार आप रीड कर लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि अगर गाइस सीटें जो है मतलब कि जनरल पीडब्ल्यूडी की सीटें अगर दिल्ली में मतलब कि खाली रह जाती है जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं दिल्ली की सीटें, तो गाइस उसको जो है अदर स्टेट से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनको दे दिया जाएगा। उसी प्रकार गाइस यहाँ पर आप देखेंगे तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जनरल की सीटें अगर खाली रह जाती है तो इसे गाइस यहाँ पर देखिए जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बट गाइस ये आपको रीड करने के बाद ही फील करना है, सो प्लीज़ गाइस इसे आप जो है रीड कर लेना, क्योंकि गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है एंड प्रोस्पेक्टस में भी लिखा हुआ है काउंसलिंग के रिगार्डिंग कि गारंटी नहीं देता कि 100% आपको सीट मिलेगी। इसलिए गाइस मैं भी आपको नहीं कह सकता, क्योंकि गाइस बस मैं आपको बता सकता हूँ कि इतना चांस है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फीस है नॉन रिफंडेबल है एंड यहाँ पर जो है नो गारंटी है कोई सीट की, सो प्लीज़ आप जो है ध्यान से यहाँ पर आप फील करना। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि कोई गारंटी एससीईआरटी नहीं लेता, यहाँ पर जो है मस्ट नोटेड एंड अप्लाई जुडिशली, क्योंकि गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं नो गारंटी ऑफ अलॉटमेंट। सो 1000 रुपीज़ गाइस फीस थोड़ा ज़्यादा है तो आप ध्यान रखना, क्योंकि जो रियलिटी है गाइस वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ।